गरीब रथ एक्सप्रेस भारतीय रेल की चलाई हुई एक प्रकार की कम कीमत वाली वातानुकूलित रेलगाड़ी है। इसका उद्देश्य है कि कम व्यय करने वाले लोग भी वातानुकूलित गाड़ी का लाभ उठा सकें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि देश के अलग अलग कोने में इस गरीब रथ एक्सप्रेस का संचालन किया जाता है। अगर मैं इस ट्रेन की पहली ट्रेन की अगर मैं बात करूं, तो इस ट्रेन को सर्वप्रथम चलाया गया था 5 अक्टूबर 2006 को पंजाब के अमृतसर से बिहार के सहरसा को जोड़ने के लिए। तो पहली गरीब रथ की बात तो मैंने आप सबसे कर ली, बट मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ कि वो आखिरी गरीब रथ कौन सी थी जिसे चलाया गया था। तो जल्दी से जल्दी आप पहले सबसे पहले कमेंट करें, बताएं कि वो आखिरी गरीब रथ कौन सी थी, और बाकी मैं इसका जवाब आपको आखिरी में ज़रूर दूंगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो और बहुत सारी जानकारी आप मिस ना कर सकें। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ जाएं और इस पूरी जर्नी का आनंद लें, और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें कि इस ट्रेन में, इस वीडियो में क्या खास है, क्या मैं खास आपसे बातें करने वाला हूं। तो बहुत सी ऐसी जानकारी है इस ट्रेन को लेकर, इस रूट को लेकर, एक नया रूट है, इस रूट को लेकर मैं आप सभी से कुछ खास बातें करने वाला हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस खास जर्नी। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फिलहाल अभी मैं मौजूद हूँ कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और आज की हमारी यात्रा होने वाली है इस गरीब रथ एक्सप्रेस में, और आज हम जर्नी करने वाले हैं कानपुर से काठ गोदाम के बीच में। ये जर्नी होने वाली है और ये आखिरी मूवमेंट चल रहा है गरीब रथ एक्सप्रेस का। पीछे देख सकते हो कि ये खड़ी है हमारी ट्रेन, जिसका नंबर है 12209, और इसे आज हम जर्नी करने वाले हैं। भाई इन टू इन हमारी जर्नी होने वाली है, जो हमारा पावर होने वाला है गाजियाबाद का वैब 7, जिसका नंबर है 37423, जो कि हमें लीड करने वाला है कानपुर सेंट्रल से काठ गोदाम की तरफ। हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चला है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। सामने आप देखो तो ये रहा बोर्ड, और गरीब रथ डिपार्चर कर चुकी है, साथ ही साथ सामने फरक्का एक्सप्रेस भी डिपार्चर ले चुकी है। दोनों ट्रेन को सेम रूट पे जाना है लखनऊ तक, और एक साथ दोनों ट्रेन को डिपार्चर दे दिया गया है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। इधर देखो फरक्का एक्सप्रेस जा रही है, और सामने जा रही है दिल्ली कामाख्या, साथ साथ पैरेलल है। तो आपको बता दूं कि साथ ही में डिपार्चर हुआ था ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस का और हमारी गाड़ी का, और साथ ही साथ फरक्का एक्सप्रेस का, इन तीनों गाड़ी का एक साथ डिपार्चर दिया गया था कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। और आप सभी को बता दूं कि अगर आप रेल फैन हैं, रेल प्रेमी हैं, आपको ट्रैक साउंड सुनना है,
तो सबसे पहले काम करिए, आप एयरफोन लगाइए और एयरफोन लगा के इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हर एक पॉइंट आपको एक ट्रैक साउंड देखने को मिलेगा, एक अच्छी गाड़ी का अच्छी रफ्तार आपको देखने को मिलेगी ना, आपको मज़ा ही आ जाएगा। आप कमेंट करके खुद आप बताइएगा कि आपको इसका ट्रैक साउंड कैसा लगा और इस पूरी जर्नी को आप इंजॉय कीजिएगा। कहाँ पर इसकी क्रॉसिंग होती है, किस तरह से पटरियाँ चेंज करती है और उससे जो खनकती हुई आवाज़ निकलेगी ना, उसका तो भाई क्या ही कहना, मतलब आप खुद ही कहोगे कि क्या मस्त मज़ा आ जाएगा। चलो फिर शुरू करते हैं। और आपको बता दूं कि अब गरीब रथ एक्सप्रेस बंद हो चुकी है और उसके साथ साथ अब इस गाड़ी को रिप्लेस किया जा रहा है इकोनॉमिक कोच में। आप सभी को पता है कि यह गाड़ी ICF है, अब इसे अपग्रेड करके LHB कोच दिया जा रहा है जो कि इकोनॉमिक कोच के रूप में आप सभी के सामने आएगा। अभी रिसेंट में ही ट्रेन कुछ गरीब रथ को रिप्लेस कर दिया गया है, जैसे कि भागलपुर आनंद विहार, गया आनंद विहार, जयनगर आनंद विहार को उसे रिप्लेस करके LHB कोचेस दे दिए गए हैं। इसी तरह से आने वाले समय में सभी गरीब रथ को गरीब रथ से इकोनॉमिक LHB कोच दे दिए जाएंगे। गाड़ी जो कि उन्नाव रेलवे स्टेशन, वैसे इसका स्टॉप तो था नहीं बट इसके आगे फरक्का चल रही है, इसकी वजह से मैंने गाड़ी को यहाँ पे रोक दिया गया है। और फिलहाल भाई साहब ये देखो हमारी गाड़ी, उन्नाव के समोसे फेमस है भाई। कहना था कि उन्नाव के समोसे फेमस है, तो देखो हमने समोसे ले लिए हैं। विंडो भाई तुम भी दिखाओ समोसे, ये देखो इतने सारे समोसे। और उन्नाव रेलवे स्टेशन ये रहा भाई। तो फिर कानपुर निकलने के बाद हमारी गाड़ी सीधा पहुंचती है अपने पहले स्टॉप लखनऊ रेलवे स्टेशन पे। और लखनऊ के ये ट्रेन आती है लखनऊ जंक्शन के NER में, जहाँ पे इस ट्रेन का होता है लोको रिवर्सल। जब ये ट्रेन वहाँ पे एंट्री कर रही तो आप सामने देख सकते हो कि ऊपर जा रही है लखनऊ की मेट्रो और उसके ठीक नीचे जा रही है कृषक एक्सप्रेस और उसके पीछे हमारी ट्रेन गरीब रथ एक्सप्रेस। मतलब इन तीनों का एक साथ कॉम्बिनेशन शायद ही कभी देखने को मिला हो इस जगह पर। तो खैर हम एंट्री कर रहे हैं लखनऊ के जंक्शन स्टेशन पर। फिलहाल 8:12 हो रहा है और हमारी ट्रेन आ चुकी है लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे
और यहाँ से इसका होने वाला है रिवर्सल। इसका लोको रिवर्सल होगा, दूसरे लोको लगेंगे, हो सकता है कि यही लगे, हो सकता है इसका लोको दूसरा लगे, और यहाँ से फिर ये गाड़ी निकलेगी सीधा शाहजहानपुर और बरेली की तरफ। कुछ ये है रेलवे स्टेशन। सो अराउंड 25 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन को यहाँ से निकाल दिया गया है। लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन अब निकल चुकी है शाहजहानपुर और बरेली की तरफ। अभी जो हम आ रहे थे लखनऊ रेलवे स्टेशन, और आपको बता दूं कि अभी कुछ देर पहले जो हमारी गाड़ी थी ना, वो नीचे जो एक ट्रैक है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको पोल दिख रहा होगा, तो अभी उस लाइन से हमारी गाड़ी आई थी, और आप देख सकते हैं कि वो लाइन दिख रही है, जो ट्रैक आपको दिख रहा है, इस ट्रैक से हमारी गाड़ी आई थी, लखनऊ जंक्शन गई थी, लखनऊ जंक्शन से रिवर्सल होकर हमारी लोगो रिवर्सल हुआ है, फिर हम ऊपर वाले ट्रैक पे आए हैं। इसके पहले हम इस नीचे वाले ट्रैक से गए थे, ये देख सकते हो आप, और सेकंड ये बन रहा है अभी, बट अभी इसी से हम गए थे, नीचे से गए थे, अब ऊपर से वापस जा रहे हैं। और यहाँ पे एक लाइन आती है जो कि ट्रांसपोर्ट नगर से आती है, और ये भी एक ट्रैक है यहाँ पे जो कि ट्रांसपोर्ट नगर साइड से आता है। भाई बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ से भी जब गई थी कुछ चलाई जाती है, जब डाइवर्टेड रूट उसकी गाड़ियाँ होती हैं। तो फिलहाल अभी हम स्किप कर रहे हैं लखनऊ के आलम नगर रेलवे स्टेशन को। अब यहाँ से शुरू होती है एक शानदार यात्रा, मतलब मैं बताऊँ आपको कि शाहजहानपुर तक क्या मस्त कनकती हुई आवाज़ निकलने वाली है, तो ईयरफोन लगाना बिल्कुल मत भूलना। और अगर ये आपको आवाज़ इसकी अच्छी लगी, ट्रैक साउंड अगर आपको अच्छा लगा और इस जर्नी में आपको मज़ा आया, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आपको मज़ा आएगा ना, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, लाइक ज़रूर करके जाना, और कमेंट ज़रूर करना कि उसकी जो खनकती हुई पटरियों से निकलती हुई जो खनकती हुई आवाज़ है वो आपको कैसी लगी। तो इससे पहले इस्तेमाल करना ईयरफोन, क्योंकि बिना ईयरफोन के आपको उसको आप फील नहीं कर पाओगे। अगर मैं बताऊँ इस जर्नी में, अगर आपको इस पूरी जर्नी को फील करना है, इस रूट के ट्रैक साउंड को और इस ट्रेन के ट्रैक साउंड को अगर आपको फील करना है, तो सबसे पहले आप ईयरफोन लगाइए और शुरू हो जाइए इस शानदार जर्नी को एंजॉय करने के लिए। फिलहाल अभी हम आ चुके हैं बालामऊ रेलवे स्टेशन पे, और आपको बता दूं कि यहाँ पे इसका स्टॉपेज तो नहीं था, हमारी ट्रेन सीधा शाहजहानपुर रुकने वाली थी, बट आगे सिग्नल नहीं होने के कारण हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोक दिया गया है। और हमें लगा था कि यार अच्छी स्पीड में हम इसे स्किप करेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाया भाई। मैं तो यही सोचता कि बढ़िया सी स्पीड को इसे स्किप करेंगे, मज़ा आने वाला है। अब आगे देखते हैं, आगे हरदोई आने वाला है और बहुत सारे स्टेशन और भी हैं।
आ चुके हैं शाहजहानपुर रेलवे स्टेशन, सामने है शाहजहानपुर जंक्शन, और शायद अभी आने वाली है अमृतसर सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस, तो उसका ओवरटेक में भी मिल सकता है, बस उसी का वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है भाई। तो फाइनली हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्चर ले चली यार, ओवरटेक शायद नहीं होगा आगे, क्या पता, बड़ी उम्मीद थी यार ओवरटेक खाने की, मतलब बड़ी दिल से इच्छा थी कि यार एक गरीब रथ दूसरे गरीब रथ को ओवरटेक करे, बट ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आगे आने वाला है बरेली रेलवे स्टेशन, बाकी वहाँ से आएगा रामपुर, रामपुर में हमारी गाड़ी का होगा लोगो रिवर्सल, बाकी आगे इन्जॉय करना। त्रिवेणी एक्सप्रेस चलो भाई, बरेली से निकल चुकी है हमारी गाड़ी और अब यहाँ आ गया रामपुर। बरेली रेलवे स्टेशन से हमारी गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है, सामने खड़ी त्रिवेणी एक्सप्रेस, जो कि इसका रूट यहाँ से अलग हो जाने वाला है और हमारा रूट थोड़ा सा अलग होने वाला है, ठीक है, और ये जाएगी टनकपुर की तरफ और हम जा रहे हैं काठगोदाम की तरफ। अगला स्टेशन होने वाला है रामपुर और रामपुर से हमारी ट्रेन का होगा लोको रिवर्सल। उसके बाद जो व्यू होने वाला है, जो चीज़ें आने वाली है, वो पूरा रूट पूरा सेक्शन पूरा अलग होने वाला है, तो मज़ा आएगा आगे की जर्नी में, आप इंजॉय कीजिएगा। तो भाई साहब, हम अराइव हो रहे हैं रामपुर जंक्शन और यहाँ से हमारी ट्रेन का होगा लोको रिवर्सल और फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे बिलासपुर रुद्रपुर की तरफ। फिलहाल अभी हम रामपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आ सकते हैं और सामने देख सकते हो कि रामपुर जंक्शन लिखा हुआ है। ये रही हमारी ट्रेन जिसमें आज हम ऑनबोर्ड हैं, जर्नी कर रहे हैं कानपुर से काठगोदाम की तरफ और अप्रॉक्स 369 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली है और 89 के आसपास की जर्नी, 89 किलोमीटर के आसपास की जर्नी और बची हुई है। सामने गाड़ी देख सकते हैं और सामने से आ रही है सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस, ये गरीब रथ एक्सप्रेस और सामने एक और गरीब रथ एक्सप्रेस। ऐसा बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है कि भाई एक गरीब रथ एक्सप्रेस दूसरे को ओवरटेक करके या फिर क्रॉस करके निकले,
सामने आ रही है वो गाड़ी, काफ़ी टाइम से उसका वेट कर रहे थे हम सभी, और भाई बस आने ही वाली है, सामने ही है बिल्कुल फ्रंट में। और आपको बता दूं कि अब ये LHB हो रही है, मतलब इकोनॉमिक कोचेस लग रहे हैं इसमें, और इसमें देखते हैं कि इसे कब मिलते हैं। फिलहाल में बहुत तेज़ी के साथ सामने गाड़ी आ रही है। और आप सभी को बता दूं कि इस यात्रा के दौरान जब हम इस ट्रेन में एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद कंडीशन इस ट्रेन की देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में कंडीशन थी। वो चीज़ मैं कैमरे में नहीं शो कर रहा हूँ, नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ऐसी चीज़ें दिखाना। बट मैं भी नहीं चाहता कि ये चीज़ें मैं अपने सोशल मीडिया पर या फिर अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को वो चीज़ दिखाऊँ जो शायद मुझे नहीं प्रेजेंट करना चाहिए, तो इसलिए मैं उस चीज़ों को नहीं दिखा रहा हूँ। बट आपको मैं बता रहा हूँ कि इस ट्रेन में जब हमने फर्स्ट टाइम एंट्री की थी कानपुर रेलवे स्टेशन पर, तो इस ट्रेन की कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदे हालत में इस ट्रेन की अंदर था, मतलब इसके जितने भी आपके जो भी आपको कर्टन वगैरह मिलते हैं, जो भी इसमें बिछाए जाते हैं, चादर वगैरह मिलती है, कंबल वगैरह मिलते हैं, पीलो वगैरह मिलते हैं, वो सारे के सारे ऐसे ही फैले हुए थे जैसे लगा कि कहीं कूड़े कबाड़े की तरह यहाँ पे फेंके हुए थे, इतने गंदे हो चुके थे। और साथ ही साथ इस ट्रेन की साफ़ सफाई भी बिल्कुल नहीं हुई थी वहाँ पे, मतलब चाय गिरी हुई थी, लोगों के गंदगी वहाँ पड़ी हुई थी। मतलब ट्रेन में आप जब यात्रा करते हो तो अपने साथ साथ अपने आसपास जहाँ भी आप बैठते हो, जहाँ पे आप सिट करते हो, उस जगह को साफ़ सुथरा रखें। ट्रेन में डस्टबिन होता है, उसका इस्तेमाल करना ना भूलें, क्योंकि यार आप खाते पीते हो, कोई वो तो जनरल सी बात है, सब कोई खाता पीता है। बट इस जर्नी के दौरान मैंने ये चीज़ देखी कि मतलब इतनी ज़्यादा गंदी ट्रेन मैंने अभी तक किसी ट्रेन में नहीं देखी होगी। खैर बिहार की ट्रेन की बात अलग है, मैं उस रूट पे ज़्यादा जल्दी जाता नहीं हूँ, बट आपको बता दूँ कि मतलब इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन थी। मैं वो चीज़ शो नहीं किया, मैं चाहता तो कैमरे पर रिकॉर्ड कर सकता था, बट मुझे नहीं अच्छा लगा वो चीज़ें कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ। बट वो चीज़ देख के मुझे भी इतनी ज़्यादा बुरी लगी कि मैं दिखा नहीं सकता था। बट मेरे साथ जो मेरे यात्री जो मेरे दोस्त लोग जो ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने रेल मदद पे एक ऐप है जो कि रेलवे द्वारा बनाया गया है, रेल मदद ऐप से जाके उन्होंने उस पर कंप्लेंट करने के बाद लखनऊ रेलवे स्टेशन से, उसके बाद इसकी साफ़ सफाई होना शुरू हुई, वहाँ से कॉल आई, PNR नंबर दिया गया, और उसके बाद जो कोच अटेंडेंट है उन्होंने से बात की गई, ट्रेन की साफ़ सफाई की गई, फिर धीरे धीरे करके पूरी ट्रेन को पूरे कोचेस के हम लोग ने मिल के साफ़ करवाया। और उनका ये कहना था कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मतलब यार स्टाफ नहीं है तो उसका अरेंजमेंट करो ना, वो तो आपकी ज़िम्मेदारी, हमारी ज़िम्मेदारी तो है नहीं। हम लेकिन साथ साथ हमें भी सफाई का भी बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, जो भी हम यात्रा करते हैं, जो भी हम खाते पीते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ट्रेनों में डस्टबिन होता है, डस्टबिन का इस्तेमाल करें, और पानी की बॉटल अगर आप पीते हो तो उसको यूं ही ना फेंकें, चाय पीते हो या फिर चिप्स वगैरह खाते हो, कुछ भी खाते हो तो उसे एक जगह इकट्ठा करके रख लें, ताकि जहाँ भी आप रेलवे स्टेशन पर आप अपनी ट्रेन को डीबोर्ड करो, वहाँ पर उस कूड़े को एक कूड़े के डस्टबिन में डाल दो, ताकि ट्रेन में गंदगी ना फैले। मतलब बहुत बुरी कंडीशन थी। खैर ट्रेन में इससे साफ़ सफाई हो गई थी बाद में चलते चलते, फिर उसके बाद लोगों को उस कंबल वगैरह दिए गए, नए कंबल दिए गए, फिर उसके बाद लोगों को पीलो वगैरह, उसके कवर वगैरह सब कुछ दिया गया, प्रोवाइड किया गया, मतलब कोच को साफ़ सफाई किया गया। बगल में खड़ी है लाल कुआं अमृतसर एक्सप्रेस, जो कि अभी रिसेंट में ही स्टार्ट हुई है गाड़ी, और ये रही वो ट्रेन सामने आ जाते, तो बोर्ड इसका नंबर है 1516 1515, ये चलती है लाल कुआं से अमृतसर के बीच में। और इधर दिखाता हूँ एक बार रेलवे स्टेशन, अच्छी खासी पब्लिक यहाँ पे डीबोर्ड की है, रुद्रपुर सिटी रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। तो जी अब हम पहुंचने वाले हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन काठगोदाम की तरफ। तो मैं इस वीडियो के अंत में आप सभी को
पूछे जाने वाले सवाल का आंसर देता हूँ कि जो मेरा सवाल था वो मैंने आपसे पूछा था कि आखिरी गरीब रथ एक्सप्रेस कब और कहाँ के कहाँ चलाई गई थी, तो उसका जो आंसर है वो होगा 20 जुलाई 2012 पुरी से यशवंतपुर के बीच में। इसका ट्रेन नंबर है 22883 जो कि पुरी से निकलकर करीब करीब 1500 किलोमीटर की यात्रा तय करके यशवंतपुर के बीच में चलती है। तो ये रहा वो आंसर जो कि लास्ट गरीब रथ एक्सप्रेस चलाई गई थी। पहली गरीब रथ को हर कोई याद रखना चाहता है, दूसरी गरीब रथ को ऑलमोस्ट लोग याद रखते हैं, बहुत कम लोग याद रखते हैं, बट जो लास्ट गाड़ी होती है ना उसे बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत ही कम लोग उसे याद रखते हैं कि हाँ ये भी एक गरीब रथ जो चलाई गई थी। 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी और छः साल लग गए लास्ट गरीब रथ 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 में इसकी सेवा समाप्त हो गई थी। उसके बाद से गरीब रथ एक्सप्रेस आना बंद हो गई थी। इस गाड़ी को स्टार्ट किया था हमारे उस टाइम के रेल मंत्री थे श्री लालू प्रसाद यादव जी ने। हम आ चुके हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन और यहाँ पे हम अपनी करते हैं इस जर्नी को समाप्त। मिलते हैं आपको अगली वीडियो तो ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत। आई होप ये जर्नी आपको अच्छी लगी होगी। काठगोदाम रेलवे स्टेशन और ये हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे लगाया गया है।